दोस्तों मेरे है ना ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और बहुत ऐसे मैं जूनियर्स को जानता हूं जिनको आप अगर अरिहंत बिटसाइड गाइड का कोई भी एक क्वेश्चन दे दोगे या फिर इवन अगर आप जेई मेन्स के लेवल का कोई क्वेश्चन दे दोगे ना दे वुड बी एबल टू डू इट वो उसको सॉल्व कर देंगे बट स्टिल दे कुड नॉट मेक इट टू बिट्स पिलानी दे कुड नॉट क्रैक दे कुड नॉट गेट इनफ स्कोर इन दर बिटसैट एग्जाम सो एस टू गेट अ ब्रांच

राइट वन नाइन्टी वाले को भी उतना ही आता है जितना थ्री नाइन्टी वाले को आता है शायद वन नाइन्टी वाले को थोड़ा ज्यादा भी आता होगा मे बी पॉसिबिलिटी है बट थ्री नाइन्टी वाला क्वेश्चंस को फास्ट वे में सॉल्व कर पाता है क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी बिना गलत करे सॉल्व कर पाता है एंड 190 वाला पर्सन कुड नॉट डू दैट एंड दैट्स व्हाई ही लैंडेड अप एट द स्कोर ऑफ 190 एंड दैट्स व्हाई द अदर पर्सन लैंडेड अप ऑन द स्कोर ऑफ 390 तो यार ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग पढ़ते पढ़ते हैं ना

अगर दस मिनट लगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इन द सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू डू इट इन लेट्स से एट मिनट्स डायरेक्टली टेन से थ्री पर नहीं आना टेन से फाइव पर नहीं आना थोड़ा थोड़ा करके आप टारगेट सेट करके एक एक दो दो मिनट कम करते जाइए बिकॉज अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो एक बहुत ही यार डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी बिकॉज हमने मेहनत बहुत करी है ऑलमोस्ट उतनी ही मेहनत करी होगी जितनी एक टॉपर ने करी जिसको सीएस मिल रही है बट स्टिल हम शायद बिट्स पिलानी में आ भी नहीं पाएंगे जस्ट बिकॉज कि हमें वो स्पीड नहीं आती हमें स्पीडिली सॉल्व करना नहीं आता और अगर आता है तो एक्यूरेसी नहीं आ पाती समझ रहे एंड आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू बी इन सच सिचुएशन बिकॉज मैंने देखा यार मेरे फ्रेंड्स मेरे जूनियर्स जिनको मैं मेंटर करता हूं ऑन दिस यूट्यूब चैनल इट्स इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन टू बी इन बिकॉज आपने पूरी मेहनत करी आपको सब कुछ आता है आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल थे बट यू कुट ओनली बिकॉज टाइम टाइम का फैक्टर आपने कंसिडर ही नहीं करा कभी अपनी प्रैक्टिस में शायद आपने उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया एंड दैट स्पीड एंड टाइम फैक्टर इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फ्रॉम अटसाइड पर आई होप आपको समझना ही हो होगी ये बात की ज्यादातर लोग है ना बिटसाइट में इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें चीजें आती नहीं थी या उन्हें चीजें पता नहीं थी या उन्हें कॉन्सेप्ट याद नहीं थे बट ज्यादातर लोग बिटसाइट में इसलिए फेल होते हैं बिकॉज उनको उनको आता तो था बट फास्ट सॉल्व करना नहीं आता था उनको एक्यूरेसी के साथ स्पीड कैसे लानी है ये नहीं आता था उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करी थी ठीक थी, से राइट सो आई होप यू मस्ट हैव गॉट द पॉइंट अब इसके लिए आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उससे भी आपको पता चलेगा कि मेरी स्पीड और एक्यूरेसी का क्या सिचुएशन अभी चल रहा है और धीरे धीरे आप उस पर इंप्रूव कर सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई मैं आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जस्ट कीप अ टाइमर एट योर साइड डोंट ट्राई कि मैं एकदम से दस मिनट को दो मिनट कर दूंगा ग्रेजुअली ग्रेजुअली हमें आना है दस मिनट को नौ मिनट करो नौ को आठ आठ को सात धीरे धीरे जब आप ऐसे करेंगे ना तो अपने आप आपका टाइम कम होगा स्पीड बढ़ेगी कॉन्फिडेंस आएगा और इसके अलावा द मोर प्रैक्टिस यू विल डू द मोर कॉन्फिडेंट यू विल गेट द मोर क्लैरिटी यू विल हैव एंड दस द मोर स्पीड एंड एक्यूरेसी यू विल हैव इन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन योर बिट्स एटेक्स है तो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दीज थिंग्स एट हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो अगर आपके कुछ डाउट्स से रिलेटेड टू दिस वीडियो और एनी अदर थिंग अबाउट बिटसैट प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम स्टे हैप्पी एंड स्टे फोकस्ड जय हिंद वंदे मातरम